वेलकम बैक टू द चैनल। आप अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। आज का जो वीडियो है वो है देवर्ष के शॉपिंग के बारे में, जो मैंने देवर्ष के लिए अभी नाइट सूट्स ऑर्डर किए थे। एंड एक बार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरे जो वीडियोज़ रहेंगे वो एवरी वीकेंड ही आएंगे, उससे मिडल ऑफ द वीक्स वो नहीं आ पाएंगे, बिकॉज एज आई एम वर्किंग वूमन आई फाइनली थॉट दैट कि जो मेरा ब्लॉग्स है, जो भी मेरे रिव्यूज़ शेयरिंग वाले जो वीडियोज़ हैं, सारे के सारे हमारे वीकेंड पे ही मैं पोस्ट करूँगी। एक सेकंड। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये जो वीडियो है, जो सारे वीडियोज है, मैं हर सैटरडे संडे या फिर कोई भी वीकेंड के कोई भी एक दिन मैं पोस्ट करती रहूँगी। और जो ये ब्लॉग है अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपका देवर्ष के नाइट ड्रेस के लिए, जो मैंने फर्स्ट क्राइ से मंगवाए थे। एक्चुअली उसमें ये भी हो गया कि मैंने जो एक सेट ऑफ टू था तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, वो थोड़ा छोटा था इन साइज़, तो मुझे वीडियो भी बनाने में थोड़ा लेट हो गया। कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या, आज हम बैठे हैं देवर्ष की स्टडी एरिया में यहाँ पे। ओके, मैंने ये सारे ओपन करके, मेन स्पेसिफिकली साइज के हिसाब से मैंने ओपन करके सारे देखे थे। वेट, वो जस्ट अभी उठा है। ये मैंने मंगवाया उसका 3 to 4 years का पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी, और एक छोटे से बॉक्स में है ये सारे, बट अच्छा लगा मुझे इसका इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। मैं मोस्ट ऑफ देवर्ष के कुछ क्लॉथ तो नाइट ड्रेस फर्स्ट टाइम मंगाया, कुछ कस्टमर से फर्स्ट टाइम से ही मंगवाती थी। तो वेट अ मिनट बेटा, आई विल शो इट। ओके, वेट अ मिनट। सो ये है फर्स्ट नाइट ड्रेस। अभी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे ही इज जस्ट एक्साइटेड अबाउट द कैरेक्टर्स एंड ऑल। सो ये नाइट ड्रेस जैसे आप देख रहे हैं, ये नाइट ड्रेस है, थोड़ा मैं आपको दूर करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा इसका। नाइट ड्रेस है बैटमैन, बैटमैन वाला इसके अंदर प्रिंट है, टिपिकल बैटमैन का जो सिंबलाइजेशन यहाँ पे दिया है एंड उसका ब्रांडिंग टाइप का ही दिया हुआ है, नथिंग एल्स। मैंने वो उसके अंदर कैरेक्टर का पिक्चर वाला भी था दिया। और उसके साथ इसका ये पजामा है, दिस इज इट्स पजामा, उसके लेंथ के अप्रोप्रिएट में ही है ये। सो ये जो है पजामा एंड दिस ये पूरा सेट है, उसके लिए ये उसके साइज के अप्रोप्रिएट है, एकदम परफेक्ट है ये साइज में। और इट्स फ्रॉम 18 नाइटवेयर। इसका प्राइस एक्चुअली 449 है इसके अंदर, एंड दिस एज ग्रुप एंड साइज 22 एंड एज ग्रुप इज 3 to 4 years। एज इट्स 4 years तो मैंने ये 3 to 4 वाला ही मंगवाया कि उसको वो परफेक्ट आता है, उसको ज़्यादा बड़े कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है। यस, उसको ज़्यादा बड़े कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है उसे। सो एंड अच्छा है, मुझे एक्चुअली ये कुछ 300 के आसपास ही ये पूरा सेट पेयर ऑफ नाइट ड्रेस पड़ा है। इसका क्वालिटी मटीरियल वाइज इट इज़ वेरी गुड। सो लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड भी एक ऐसे ही बॉक्स में है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे पैकेजिंग में, दोनों नाइट ड्रेस ऐसे ही पैकेजिंग में आए हैं, एंड ये सेकंड वाला नाइट ड्रेस है जो मैंने उसको ओपन करके ही देखा था। तो आपके सामने आप इसको ओपन कर रही हूँ। ओके, एक्चुअली कोई प्रसाद दे रहा है, तो इज एक्साइटेड फॉर द चॉकलेट्स। ये है सेकेंड वन। इसका जो मटेरियल, इसका थिक मटेरियल है और अच्छा है। इसका बहुत इतना थिक नहीं बोल सकते टी शर्ट का, इसका जो पजामा है वो काफ़ी थिक है, और जो टी शर्ट है वो इतने थिक मटेरियल में नहीं है। बट और हाँ, ये कि ये मैंने 4 to 5 years का मंगवाया था, क्योंकि पहले जो मंगवाया था 3 to 4 years वाला जो पेयर इस टाइप का ही था, वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था उसके लिए, और ये जो है वो उसके लिए थोड़ा बड़ा हो रहा है।
बट देखते हैं अगर मैं इसको रिटर्न करूँगी या नहीं, अगर इट्स ओके चल जाता है, अगर वो पहन लेता है तो फिर आई विल कीप इट, अदरवाइज आई विल रिटर्न। जैसे सब पजामा, इसको जो पजामा है उसका मटेरियल बहुत अच्छा है, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा, इससे भी जो पहले मैंने बताया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसका थिक भी है मटेरियल। बट जो इसके टी शर्ट है उसका मटेरियल इतना मतलब थिक नहीं है, थोड़ा सा पतला है, बट हाँ एकदम सॉफ्ट है। ये है, दिख रहा है यहाँ पे एक मून सा दिया हुआ है, क्यूट एंड गुड नाइट लिखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा कैट बोल सकते हैं, कैट इज स्लीपिंग ओवर हियर इन द क्लाउड्स। ये मुझे बहुत पसंद आया था, एक ही नज़र में मुझे बहुत पसंद आया। एक और भी था यहाँ पे, पूरा एक फायर फ्लाइज जो आती है ऐसे जार के अंदर, फायर फ्लाइज वाला था एंड गुड नाइट ऐसे ही सिंबल था उसके अंदर, बट आई लव्ड दिस वन। थोड़ी देर के बाद आपको ये ट्राई करके भी दिखाएगा, है ना? यस यस। सो दिस इज द होल पेयर, जो आप पूरी पैर है वो इस तरह की है, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके ये पैर है। और ये वाला जो राइटर्स है, गेम बिगिंस की तरफ से है एंड इसका प्राइस है 599, जो मुझे कुछ 400 के आसपास पड़ा था विद डिस्काउंट, जो उसका कूपन कोड था मैंने यूज़ करा था। और एग्जैक्टली इसका ये, इसके जो ये थोड़ा हनी बी टाइप का इसका जो कलर लग रहा है, जैसे पीछे से एकदम से हनी बी टाइप का ही लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इस देवर्ष के हैंगर में, स्कूल के यूनिफॉर्म के हैंगर में इसको मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है। स्लीव्स भी इसका फुल स्लीव्स है, और वो जो फर्स्ट वाला जो नाइट ड्रेस है वो मैंने हाफ स्लीव्स मंगवाया, क्योंकि अब विंटर्स में उसको मैं थर्मल भी पहनाती हूँ, भले फिर वो हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट हो या फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट हो, नाइट में भी उसको थर्मल पहना के सुलाती हूँ, बिकॉज वो कभी भी ब्लैंकेट नहीं ओढ़ता है, कभी कवर कितना भी कवर कर ले लेकिन वो कभी नहीं ओढ़ता है। सो दिस आर द टू नाइट ड्रेसेस ऑफ हिज, वन दिस वन एंड द अदर वन। एक्चुअली इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि इसका जो कॉलर है, यहाँ आप देख सकते हैं कॉलर एकदम अच्छा मस्त स्टाइलिश टाइप का कॉलर दिया हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ है। इसकी जो फिनिशिंग है मतलब मटेरियल की, ड्रेस की, बहुत अच्छे से की हुई है। इसके वैसे भी आपने देखे होंगे मोस्ट ऑफ इसके नाइट ड्रेसेस इस टाइप के ही होते हैं, तो इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम इसको इस टाइप का नाइट ड्रेस ऑर्डर किया उसके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली ये विजुअली से ज़्यादा इसके कैमरा के अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। बट देखते हैं अगर इसको हम रिटर्न करते हैं या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली इसका साइज़ मैंने आपको बताया, जैसे ये 22 वाला जो पहले वाला मैंने आपको बताया वो 22 साइज़ का था एंड फॉर 3 to 5 years, ये है 24 साइज़ का एंड फॉर 4 to 5 years के लिए, इसलिए थोड़ा सा उसको बड़ा पड़ रहा है। टी शर्ट ही बड़ी पड़ रही है, लेगिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसकी टी शर्ट है वही थोड़ी उसको बड़ी पड़ रही है। एक्चुअली ऐसे देखते हो आप कितना स्लिम है, स्लिम एंड ट्रिम अभी से उसको रहना है, सो थोड़ा सा उसको बड़ा पड़ता है और कुछ नहीं है। और जो मैंने रिटर्न किया था पैकेट, उसका तो बॉक्स इधर ही उन्होंने छोड़ दिया था, बोले वी डोंट वांट द बॉक्स। इस पैकेज में वो आया था, दो थे वो एक्चुअली, वो भी कुछ 400 के आसपास के, दो पेयर ऑफ नाइट ड्रेसेस थे, बट एकदम उसका जो पजामा था वो थोड़े उसको छोटे पड़ रहे थे, तो फिर वो यूज़ ही नहीं है। बड़ा है तो अगर हम रख सकते हैं, बट छोटा है तो फिर वी कांट कीप इट, क्यों यूज़ ही नहीं है उसका। फिर छोटा जब उसकी हाइट वैसे ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, ग्रोइंग एज है, तो फिर वी कांट कीप दैट वन, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। और उसका ये इस टाइप के पैकेजिंग में आया था, उसका भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर पाउच भी बहुत अच्छा था जिसके अंदर वो नाइट ड्रेसेस थे। सो दिस वॉज द शॉपिंग ऑफ देवर्ष फ्रॉम फर्स्ट क्राई। सो गाइस ये है देवर्ष का फर्स्ट राइट ड्रेस, आप देख रहे हैं इसको एकदम परफेक्टली आ रहा है। मैंने बताया था जैसे इसके कॉलर्स बहुत ही स्टाइलिश है, अच्छा है इसका कॉलर। देवर्ष आपको ये राइडर्स कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत। हाँ। ओके। सो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ये है उसका सेकंड नाइट ड्रेस।
आप देख रहे हैं ना स्किनी बॉय को, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ से बड़ा लग रहा है, यहाँ से भी ये थोड़ा बड़ा लग रहा है उसे। देखते हैं इसको हम चेंज करते हैं या नहीं, मुझे तो चेंज करने जैसा लग रहा है। उसका पजामा तो एकदम परफेक्ट है, इतना ज़्यादा लूज इतना बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन जो इसकी ये टी शर्ट है वो बड़ी लग रही है। से हेलो, टर्न बैक, ये देखिए पीछे से कैसा लग रहा है, टर्न अराउंड। सीधे हो जाओ देवर्ष। सो दिस इज देवर्ष। आपको कौन सा नाइट ड्रेस अच्छा लगा देवर्ष, ये वाला या पहले वाला? ये वाला अच्छा लगा, ये वाला सीरियसली अच्छा लगा, बड़ा है ना आपको, तो क्या करना है, चेंज करना है, चेंज करना है कि यही रखना है? छोटी साइज मंगवानी है, बड़ा लग रहा है ना थोड़ा, तो चलो अब चेंज करवाना ही। सो जैसे आपने देखा कि ये देवर्ष वाला जो नाइट ड्रेस है उसको थोड़ा बड़ा लग रहा था सेकंड वाला, सो अब इसे हमें चेंज करवाना ही पड़ेगा। ये देखिए उसके नाइट ड्रेस का अनबॉक्सिंग का बॉक्सेस इधर बहुत सारे पड़े हैं उसके स्टडी टेबल पे। सो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, सो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। तो लाइक जैसे उसे बता दिया कि उसको अच्छा तो ये वाला ही लगा है, बट इसको हमको चेंज करवाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली द साइज, नथिंग एल्स, और कोई क्वेरी नहीं है उसके अंदर। अब थोड़ा सा पतला है लेकिन अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, जो समर्स में तो बहुत अच्छे से जाएगा ये, अगर फुल स्लीव्स है फिर भी, क्योंकि एकदम सॉफ्ट मटेरियल है इसका। सो अब हम इसको चेंज करवाने ही वाले हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे नाइट ड्रेस तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, एंड अगर कोई कूपन रहेगा तो वो कूपन भी आपके साथ, कूपन कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही था, सो थैंक यू, एंड जस्ट इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट्स देन गिव अ लाइक ओवर देयर, एंड जस्ट कमेंट कि आपको कैसे लगे देवर्ष के प्रोडक्ट्स। सो अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं अब हम क्या लेके आने वाले हैं, वेट एंड वॉच। सो सब्सक्राइब वीडियो, देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। बाय 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 बाय।